हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि बिलों के खिलाफ सड़क जाम करने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चिंता जताते हुए इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं किसानों को हाथ लगाने पर हाथ काटने वाले कुलदीप बिश्नोई के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को तो आग लगाना ही आता है, कत्लेआम करना चाहती है, लेकिन आज का किसान समझदार है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को पातवान गांव में बर्बाद हुई कपास की फसल का निरीक्षण किया और किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि किसान चाहते हैं कि उनकी धान, कपास और बाजरे की फसल की सरकारी खरीद हो और पैसा सीधे उनके खाते में आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन विधेयकों से सिर्फ बिचौलियों को परेशानी है और वही आंदोलन कर रहे हैं। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राज्यसभा में बिल पास होने पर सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में पेश किया गया बिल किसानों के लिए काला कानून है। प्रदेश में हुए किसान आंदोलन पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि किसान अध्यादेश में सब ठीक है तो सरकार सफाई क्यों दे रही है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भैड़ी महाराजपुर गांव में किसानों के लिए रोड जाम में पहुंचकर समर्थन दिया और कृषि अध्यादेशों के विरोध में एकजुटता से लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने विपक्ष के विधायक हैं वो सब बीजेपी की टीम का हिस्सा हैं। वहीं बलराज कुंडू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 अक्टूबर तक अध्यादेश वापस नहीं लिया तो 2 अक्टूबर को महम के ऐतिहासिक चौबीसी के चबूतरे पर अनशन पर बैठेंगे। बरवाला में किसानों के धरने को समर्थन देने जेजेपी से विधायक जोगीराम सिहाग भी पहुंचे। इस दौरान विधायक जोगीराम सिहाग ने किसानों को समर्थन देते हुए सरकार पर निशाना साधा। तो शाम में किसान संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए बंद का व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने तो शाम जुई मार्ग, सिवानी मार्ग और बहल मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। कृषि से संबंधित 3 विधेयक के खिलाफ किसानों ने रोड जाम करने की चेतावनी दी, जिसके बाद से पानीपत में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यमुनानगर में पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे पर मिल्क माजरा टोल प्लाजा के पास किसानों ने 3 घंटे तक जाम लगाए रखा। किसानों ने यह जाम कृषि बिल के विरोध में किया। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। फतेहाबाद में कृषि बिल के विरोध में किसानों और व्यापारियों ने रोड जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान लघु सचिवालय के सामने किसानों और व्यापारियों ने घंटों तक रोड जाम रखा। कृषि बिल का असर किसान और व्यापारी ही नहीं बल्कि आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला है। किसानों और व्यापारियों ने कहा कि कृषि बिल के विरोध में आगामी 25 सितंबर को वो भारत को पूर्ण रूप से बंद रखेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। कृषि बिल के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसी को लेकर प्रदेश भर में 19 किसान संगठनों ने प्रदेश बंद के तहत नेशनल हाईवे 9 पर जाम लगा दिया। किसान सड़कों पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इसी के साथ रोडवेज बसों के द्वारा दूसरे अन्य वाहनों के रूट भी बदले गए थे। पूरे मामले को लेकर किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि इन काले अध्यादेशों से किसान वर्ग बर्बाद हो जाएगा। यमुनानगर में किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों के आंदोलन में कांग्रेस का कोई रोल नहीं। अंबाला में भी किसानों ने बिल के खिलाफ सड़कों को जाम किया। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे किसानों ने बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को वापस लेने की मांग की। अंबाला पंजाब के सद्दोपुर बॉर्डर पर बिल के विरोध में किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। पंजाब से सैकड़ों की संख्या में हरियाणा में एंट्री करने के दौरान पुलिस ने बीच में ही किसानों को रोक लिया। अंबाला हरियाणा पंजाब बॉर्डर सद्दोपुर पर किसानों के साथ पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में बैरिकेडिंग को लेकर झड़प हो गई, जिस ट्रैक्टर पर पंजाब से प्रदर्शनकारी आए थे उसी को आग के हवाले कर दिया गया। आग को पानी डालकर बुझाया गया।
सोनीपत में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला और इस बीच किसान जाम के बीच में एम्बुलेंस के फंसने की भी खबर सामने आई। प्रदर्शन के बीच एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं मिली। हिसार में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। हिसार में हाईवे पर पहुंचकर किसानों ने बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। किसान टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नूह में किसानों ने 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने इसे किसानों के खिलाफ काला कानून बताते हुए चोर दरवाजे से लाया गया कानून बताया। तीन अध्यादेशों के विरोध में खंड जाखल के सैकड़ों किसानों ने जाखल कड़ैल चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान सड़क के बीचों बीच बैठ गए और रोड को जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में आढ़तियों, मजदूरों और दूसरे संगठनों ने भी किसानों का साथ दिया। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए वो किसान विरोधी है। झज्जर में किसान सड़कों पर उतरे और बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। यहां किसान बैनर लेकर बिल का विरोध करने पहुंचे। इस दौरान किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए। कैथल में सड़क पर बैठकर किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। किसान लंबे समय से बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए क्योंकि ये बिल किसान विरोधी है। करनाल में किसानों ने भिवानी करनाल मेरठ रोड को जाम करके बिल का विरोध किया। भारी संख्या में किसान बिल का विरोध करने पहुंचे। विरोध कर रहे किसानों ने जूंटला गांव में मंडी के सामने जाम लगाया और बिल वापस लेने की इस दौरान मांग की। तो वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने अंबाला चंडीगढ़ रोड के पास गांव दऊ माजरा के पास हाईवे पर जाम लगाया। इस दौरान किसानों ने सफेद झंडे लेकर विरोध किया। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए। पंचकुला में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। पंचकुला के बरवाला में किसानों ने रोड जाम कर बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित नेशनल हाईवे पर पहुंचकर रोड जाम करते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद दिखी। पुलिस का भारी बल मौके पर मौजूद रहा। पुलिसकर्मियों ने किसानों को नेशनल हाईवे पर जाने से रोकने की कोशिश की। पिहोवा में किसानों ने कुरुक्षेत्र रोड को जाम कर दिया। प्रदेश के पूर्व मंत्री बलबीर सैनी भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान इनेलो और कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया। बिल के विरोध में प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। रोहतक में नेशनल हाईवे पर बिल के विरोध में इकट्ठा हुए किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ब्राह्मणवास गांव के पास रोहतक पानीपत हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान सरकार के कृषि बिल से नाखुश हैं और बिल वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उचाना हलके के गांव अलेवा के मुख्य चौराहे पर भारी संख्या में किसान जीन असंध रोड पर पहुंचे और बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए। रादौर में इन अध्यादेशों के विरोध में अनाज मंडी के आढ़ती और मुनीम हड़ताल पर रहे। इस मौके पर आढ़तियों ने इन अध्यादेशों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मंडी के प्रधान ने कहा कि इन तीनों अध्यादेशों के लागू होने के बाद किसान और आढ़ती बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। रादौर में इन अध्यादेशों के विरोध में अनाज मंडी के आढ़ती और मुनीम हड़ताल पर रहे और इस मौके पर आढ़तियों ने इन अध्यादेशों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रादौर में रोहतक पानीपत चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव रूखी पर किसानों ने 3 अध्यादेशों के खिलाफ जाम लगाया और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अंबाला में किसानों ने अंबाला नारायणगढ़ रोड स्थित मंडौर में प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने आज ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों के निर्देश के अनुसार बाकी के टेस्ट किए जा रहे हैं।
बिना किसी मेडिकल रीजन के कोरोना टेस्ट करवाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने है। दरअसल टेस्ट करवाने के लिए अब लोगों को सरकार को पैसे देने होंगे। डीजीएचएस हरियाणा ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि एडमिशन लेने, विदेश में ट्रेवल करने और नौकरी लगने या नौकरी पर कोरोना टेस्ट करवाने वालों को टेस्ट फीस देनी होगी। पहले ही लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लेकिन अब डेंगू के अटैक ने लोगों को और भी परेशान कर दिया है। सोना के दोहला, खेड़ा और गामडोज हरचंदपुर गांव में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नागरिक अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए टेस्ट कराने की कोई सुविधा मुहैया कराई गई है और ना ही इलाज की कोई सुविधा है। वहीं जब हरियाणा न्यूज ने नागरिक अस्पताल में कार्यरत एसएमओ से जानकारी लेनी चाहिए तो एसएमओ अपने कार्यालय से नदारद मिले। प्रदेश में 21 सितंबर से एक बार फिर सरकार स्कूल खोलने जा रही है। अभिभावकों की मर्जी से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र अब स्कूलों में पढ़ाई के लिए जा सकेंगे। इसी के चलते जिले के अधिकांश राजकीय स्कूलों में वाजिदपुर सबौली के राजकीय स्कूल में किए गए प्रयोग को एक मॉडल के रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि निजी स्कूल अपने स्तर पर की गई तैयारियों के अनुसार स्कूल को खोलेंगे। प्रदेश में 21 सितंबर यानी कल से स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत कोई भी छात्र छात्रा, माता पिता और अभिभावक से लिखित अनुमति को लेकर आ सकता है, लेकिन पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अजीत चौरान का कहना है कि शिक्षा विभाग और सरकार के निर्देशानुसार कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति देंगे। पलवल में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने अपने साथ हुई वारदात की शिकायत पुलिस को दी। मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर दुरैची गांव के रहने वाले 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई। पीड़िता ने बताया कि उसका पति काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। वो घर में बच्चों के साथ अकेली थी, तभी देर रात तीनों बदमाश जबरन घर में घुस आए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रोहतक पुलिस की सीआईए 2 टीम ने कार लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पहले ही लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लेकिन अब डेंगू के अटैक ने लोगों को और भी परेशान कर दिया है। सोना के दोहला, खेड़ला, घामडोज, हरचंदपुर गांव में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नागरिक अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए टेस्ट कराने की कोई सुविधा मुहैया कराई गई है और ना ही इलाज की कोई सुविधा है। वहीं जब हरियाणा न्यूज ने नागरिक अस्पताल में कार्यरत एसएमओ से जानकारी लेनी चाहिए तो वो भी अपने कार्यालय से नदारद मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।